अच्छा आज देख रहा हूँ मैं भारत मंडपम में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, आपके क्या रही है? जो ग्लोबल समिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, कैसे जो टेक्निकल चीजें आगे बढ़ रही हैं और कैसे हम इनका यूज करके अपने देश को विकसित कर सकते हैं, तो उस चीज के ऊपर समिट थी और एक सम्मेलन था जिसमें बाहर के देश के लोग भी आए हुए थे। और इसको मानना था कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छाई के भी बुराई के भी। तो यहाँ इसका मकसद ये है कि आप इसको कैसे पॉजिटिव माइंड सेट से लेके आगे चल सकते हैं और कैसे अपने देश को विकसित कर सकते हैं, और जो कि बहुत जरूरी है आजकल अपने देश के। चलिए वैसे लोकसभा चुनाव 2024 करीब, देखिए अब देश में विकास हो रहा है और सबसे अच्छी भूमिका ये है कि भारत की जो एक स्थिति है ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छी इमेज बनी है, एक अच्छे नेता है मोदी जी, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसे देश का विकास करते रहे। और बाकी पब्लिक आजकल बहुत समझदार है, उनको पता है देश में सेंटर में मोदी जी के बिना अभी फिलहाल कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो देश को आगे अप फ्रंट पे ले जा सके, तो ऑब्वियसली शायद मोदी जी है। अच्छा, आपने कहा कि कोई नेता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर भारत जोड़ो यात्रा की है कश्मीर तक, हिमालय तक, साथ साथ में जो बेसिक चीजें हैं कि जैसे मान लिया किसानी कर ली, खेती कर ली, पुली बन गए, मैकेनिक बन रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और साथ साथ में मोहब्बत की दुकान, कहते हैं हमारे यहाँ हमारे शासनकाल में मोहब्बत की दुकान थी, मोदी जी जब से आए हैं या बीजेपी आया है तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। देखिए मैं किसी के बारे में कोई बुराई नहीं करूंगा, बस अच्छाई ये करूंगा कि जो मोदी में अच्छाइयाँ उसको गिने जाएं, अगर वो अच्छाइयाँ भारत के लोगों को अगर किसी दूसरे नेता में मिलेंगी तो ऑब्वियसली आप अच्छाइयाँ नहीं चाहिए, अच्छाइयों से बढ़ के भी कुछ चाहिए कि आपके देखिए एक अच्छा आदमी आपके समीप है, आपके बीच में है, और अगर आपको उससे अच्छे कुछ कर पाएंगे, कुछ मुद्दे लेके आएंगे, यहाँ पर मुद्दों पर बात करनी जरूरी है, अगर वो मुद्दों पर बात होती है तो आई थिंक देश की जनता अपने आप सोचेगी किसको लाना है, बाकी जो है बहुत बढ़िया है अभी फिलहाल, बाकी आगे देश की जनता। अच्छा, महागठबंधन जो बन चुका है, नेशनल पार्टी का इकट्ठा हो चुका है, महागठबंधन का अगुवाई कांग्रेस कर रहा है। देखिए हर पार्टी चाहती है कि हम सेंटर में रूलिंग करें, तो ये उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है, तो इसमें हम ज्यादा नहीं जाना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए देश का विकास के लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ देश की जनता को इसी पक्ष में जाना चाहिए बजाय कि अपने पर्सनल फायदे के, सभी देश की सोचना चाहिए। कई बार क्या होता है कुछ लोग सिर्फ उनका एक पर्सनल फायदा हो रहा है इसलिए किसी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन नहीं, देश की जनता के लिए जो अच्छा है हर इंसान देश का उसी को ही सेंटर में लेके आए, मेरी यही गारंटी की बात हो रही है, कंटिन्यू गारंटी की बात हो रही है, मोदी जी के गारंटी का रिजल्ट भी आज तक तीन राज्य देख चुके हैं, मोदी जी के गारंटी के साथ। देखिए मुद्दे बार बार यही आते हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी, देखिए पहले जो एजुकेशन होती थी वो जॉब ओरिएंटेड होती थी, लेकिन आजकल वो मुद्दा नहीं है, आजकल स्टार्टअप का जमाना है, एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है, अपने बलबूते पे विकास करने का जमाना है, तो आज हमें नौकरी से हट के थोड़ा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान देना पड़ेगा, वो एक स्किल्स हैं। और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी अगर एक इंजीनियर, कोई भी एक महान अगर जिसके पास नॉलेज है वो किसी जॉब का मोहताज नहीं होता, वो अपने बलबूते में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करे और जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बने। बीजेपी को जो है आरोप लगा रहा है धर्म को लेकर, देखिए धर्म को बचाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज होती है, बाकी मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मैं ही नहीं कहता कि कोई धर्म अच्छा है कोई धर्म बुरा है, ऐसा नहीं है, जो किसी धर्म को लेके किसी के ऊपर उंगली उठाता है वो अपने धर्म से खुद ही गिर जाता है, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और धर्म से उठकर इंसान में एक इंसानियत देखनी चाहिए, सिर्फ इसी पे बात करनी चाहिए, बाकी सब धर्म ठीक है, सभी अच्छे हैं, और देखिए सभी धर्मों में बुरे लोग भी होते हैं अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन ये हमारा नजरिया होता है कि हम अच्छे लोगों को देखना चाहते हैं बुरे लोगों को, हिंदू समाज में भी कई ऐसे तत्व हैं जो अच्छे नहीं है, मुस्लिम में भी है, मुस्लिम में कई ऐसे जो अच्छे लोग भी हैं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं कैसे कहता हूँ मुस्लिम लोग अच्छे नहीं होते, क्योंकि मुस्लिम मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, तो सभी बढ़िया होते हैं सभी अच्छे होते हैं, हमें धर्म से उठ के इंसानियत की तरफ देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।